खरीदारी करने की राय है और ये खरीदारी करनी आदित्य बिरला कैपिटल के फ्यूचर्स में 136 से 136.5 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 132 से 135 की रेंज में बार बार आकर अटकता था, आज उसके पार निकला है, नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। इस तेजी में एक खास बात और भी है एबी कैपिटल के लिए दीप, वो ये कि आमतौर पर जो कुछ भी वोडाफोन आइडिया को लेकर दिखते हुए इन्हें फंडिंग वगैरह ये मिलने में काफ़ी मुश्किल भी होती थी, अब चूंकि वहाँ की समस्याएं कम हो रही है अब तो ग्रुप के कुछ कुछ स्टॉक्स जो दबे हुए हैं उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी। हमें लगता है वैल्यू अनलॉकिंग तो जबरदस्त सही, जो सारे कामकाज है म्यूचुअल फंड बिजनेस आपने देखा है अनलॉक हो चुका है, इसके अलावा इंश्योरेंस की जो इनकी होल्डिंग है अलग अलग कंपनियों में उनकी जबरदस्त वैल्यू जो आगे चल के आपको लिस्ट होती हुई नजर आएंगी। तो आदित्य बिरला कैपिटल अब वापस से पुरानी ग्लोरी की तरफ बढ़ने को तैयार है। अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने 155 रुपये 180 रुपये में इन्वेस्ट किया है बहुत ऊपर के दामों पर, तो हमें लगता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, खरीदारी करें। 125 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप पोजिशनली अगर इसे ट्रेड करें लंबे टारगेट के लिए तो 125 का रखें, और अगर छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना है शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो आपका होगा वो 132 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से। टारगेट ऊपर जो बनेंगे 140, 145, 150 के, ये जो छोटे टारगेट हैं 140, 145, 150 के, और बड़े टारगेट आपके लिए 170 तक के हैं जिनके लिए आपको आदित्य बिरला कैपिटल में करनी है खरीदारी।